मेरे पास अगर यहाँ पे है, तो हमने लास्ट क्लास में कैनिजरो पढ़ा था, लेकिन आई होप लोगों ने नोट डाउन नहीं किया था। तो अगर मेरे पास यहाँ पे मिथेनल है, HCHO है, मेरे पास मान लो अगर एक और HCHO है, तो मैंने कुछ बताया था याद है किसी को? तो जब मैं इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड KOH लूंगा, तो कॉन्सेंट्रेटेड KOH लेने से देखो मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे KOH दिख रहा है सबको, OH, देखो ये KOH है, तो KOH में से ना इसको इस तरीके से समझो कि एक साइड मेरे पास OK है और एक मेरे पास H+ है। तो ये KOH जो है इसको इस तरीके से समझो कि एक साइड OK और एक साइड H+। तो अब देखो होगा क्या मेरे पास, अब यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है मेरे पास, ये जो हिस्सा तुम देख पा रहे हो, तो इससे मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो H यहाँ से आया, तो मेरे पास ये बन जाएगा क्या, CH और एक H यहाँ से आएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा OH, तो ये तो बना एल्कोहल। अब देखो यहाँ से भी एक H चला गया राइट, तो अगर यहाँ से एक H चला गया तो यहाँ पे एक वैकेंसी आई होगी राइट, तो जब यहाँ से एक वैकेंसी आएगी तो मैंने बोला था ना कि एक OK दिख रहा है, ये OK, तो ये ओके अगर यहाँ बिल्कुल पे एक एच वहां पे चला गया, तो यहाँ पे जब आना चाहेगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास HC, डबल बॉन्ड वो तो है ही है, और साथ में यहाँ पे क्या आ जाएगा ओके, यस और नो। ओके और मैंने पहले ओके बता रखा है कि चाहे तो CH3COONa हो, OOK हो, या फिर OOH हो, तो ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही कहलाता है राइट, इज दैट क्लियर? यस सर, तो यस इसका सर, मतलब तो मेरे पास अब इसके अंदर तो मैं क्या बोला गया कि अब अगर मेरे पास क्या हो, अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और मेरे पास ये मुझे एल्कोहल बनाना हो, दो चीजें चाहिए हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कीटोन होगा, कीटोन के अंदर तुम्हें तो क्या डाल देना है, कॉन्सेंट्रेटेड KOH, इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? यस सर, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैन यू जीरो तो कैनिजेरो रिएक्शन के अंदर क्या क्या हुआ है? यस सर, दीप्ति टेल मी, यस यस बोलो, इसमें क्यू एच सी ओ और एच कैसे टूट सकता है? कैसे किसमें किसमें फिर से बोलो एक बार। केओ एच में KO एक साइड गया और H एक साइड गया। हाँ ठीक है, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, लेकिन अगर देखो मेरे पास क्या है, जैसे मैं NaOH भी लेके चलता हूँ ना, तो मेरे पास ब्रेकडाउन तो हर तरीके से हो सकता है, तो ऐसा ही नहीं है कि NaOH होगा तो Na+ ही रहता है और वो OH- ही रहता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसे रिएजेंट्स भी होते हैं हमारे पास, तो जिससे जिनकी प्रेजेंस के अंदर NaOH ONa भी बनता है और ये H+ भी बनता है, ठीक है, तो ONa और H+ भी मेरे पास बनता है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, आई मीन ऐसी चीजें भी होती है। तो जब भी हम कॉन्सेंट्रेटेड एल्केली लेते हैं और जब हम उसे हीट करते हैं, हीट करने पर, तो हीट करने पर NaOH ONa और H+ भी बन सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर तुम्हारे पास KOH है, यू ऑफ कोर्स जनरली KOH OH देता है, K+ देता है, NaOH Na+ देता है, OH- देता है, लेकिन जब भी मान लो अगर यहाँ पे बात आ रही है सेल्फ ऑक्सीडेशन की, तो हमारे पास क्या होगा कि NaOH और ये KOH है, तो ये OK H+ ONa H+ में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये बेसिकली होता है हीटिंग जब हम करवाना चाह रहे होते हैं। यस सर, तो ये मेरे पास कौन सी रिएक्शन कहलाई जाती है, ये होती है मेरे पास कैनिजरो, कैनिजेरो रिएक्शन। देखो अब जो हम ये करवा रहे हैं ना, ये कैनिजेरो रिएक्शन, देखो मेरे पास कोई भी ये ग्रुप जो तुम देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ये रिएक्शन सिर्फ उसके लिए है, ठीक है। तो ये अब देखो दो चीज आने वाले हैं, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास ये एक CHO लगा हुआ है राइट, और यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे पास ये CH2 है और यहाँ पे C है, तो बताओ एक फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो दूसरी कार्बन है, क्या इसके पास हाइड्रोजन लगे हुए हैं, क्या इसके पास ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सर तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, कि जब मेरे पास एक जो फंक्शनल ग्रुप है विच इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को छोड़ के जस्ट अगला वाला, इसी को हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, इज दैट क्लियर? तो अगर अल्फा यस सर, हाइड्रोजन होगा तो ये रिएक्शन तुम उसके साथ नहीं करवा पाओगे, तुम्हें उसके साथ नहीं करवाना है, ये उसके साथ रिएक्शन करता ही नहीं है, तो
तो इसका मतलब हम ये हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल सिंपल कंपाउंड क्लियर कर सकते हैं या फिर जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? सिर्फ और सिर्फ किन चीजों के लिए है जिनके पास मेरे पास हाइड्रोजन नहीं होता. जैसे मान लो मुझे एक बात बताना, मेरे पास मान लो अगर कोई एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये सी एच ओ है, राइट, तो ये सी एच ओ है, तो अगर अगर तुम ये वाली कार्बन देखो जो कि तुम्हें दिख नहीं पा रही है, ये वाली, ये देख पा रहे हो पॉइंट, तो इस कार्बन पे एक साइड कार्बन है, इस साइड ये वाली कार्बन है, इस साइड ये वाली कार्बन है, और ये डबल बॉन्ड है, तो क्या यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है या नहीं है? यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है? नहीं. क्यों? क्योंकि कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चारों के चारों पूरी हो तो गई, 1 2 3 4, तो चारों अगर पूरी हो गई है, सारी की सारी कार्बन से अटैच है, तो क्या हाइड्रोजन बचा हुआ है? नहीं. तो अगर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हम कैनिजरो रिएक्शन करवा सकते हैं? यस सर. तो इसका मतलब और कैनिजरो के लिए कितने मोल्स लेते हैं हम? 2 मोल्स, राइट. तो अगर एक ही है तो हमें एक और लेना पड़ेगा, हम 2 भी ले सकते हैं डायरेक्ट. तो ये मेरे पास जाएगा सी एच ओ, राइट, तो हम क्या लेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH. तो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लोगे तो एक साइड मेरे पास क्या बनता है? एल्कोहल. तो जहां पे सी एच ओ था वहां पे क्या बन जाएगा? यस, ये बन जाएगा मेरे पास सी एच टू ओ एच, और एक साइड मेरे पास क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड, राइट, बेंजोइक एसिड. तो COO या फिर अब ये एन ए लिया है ना मैंने, तो ओ एन ए बनेगा या ओ के ओ के बनेगा? COO. ये इसका मतलब वही होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, तो सोडियम बेंजोइट बोल सकते हैं इसे. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ काइंड ऑफ सेल्फ ऑक्सीडेशन, ठीक है. तो ये सेल्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है. तो अच्छा, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन भी हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा है. तो इसका मतलब ये, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बताया कि एल्डिहाइड किट हो रहा है, इस साइड जा रहा है अल्कोहल के साइड, तो ये रिडक्शन हुआ, और अगर इस साइड जा रहा है मेरे पास तो ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ. तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? और ये हो अपने आप के साथ ही रहे, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर. और रेडॉक्स रिएक्शन भी हो गई क्या? यस सर. क्या? कुछ नहीं. मेरे बोलो, क्या बोल रहे हो? बोल रही थी ये तो रेडॉक्स रिएक्शन भी हो. अच्छा अच्छा, हाँ, काइंड ऑफ बोल सकते हो कि मेरे पास ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है. वही मैंने क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है भाई. तो कुछ इस जो रिएक्शन मैंने करवाई है इसके लिए कंडीशन थी, वो कंडीशन कौन सी थी? कैन यू टेल मी दैट कंडीशन? कंडीशन सर नहीं पता. ए शुड नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन. ए शुड नॉट पजेस अल्फा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन याद आ रहा था. ठीक है, तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, सिर्फ कैनिजरो रिएक्शन उसके लिए ही कर सकते हैं. ठीक है, गॉट इट? यस एवरीबॉडी. अब जो रिएक्शन आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिजरो. अब जो रिएक्शन आ रही है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? उल्टी कंडीशन है. उसके लिए कंडीशन है कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए. तो अब जो मेरे पास रिएक्शन आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. एल्डोल कंडेंसेशन. तो कैनिजेरो के अंदर क्या था? एल्डिहाइड था, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक बना. अब मेरे पास एक एल्डोल कंडेंसेशन है. देखो ये, अब इसमें क्या होता है मेरे पास, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे. तो देखो एक मेरे पास तुम्हें पता है कि कोई भी अगर कंपाउंड होता है तो H+ देता है, तो उसे एसिडिटी बोलते हैं, राइट. जितनी जल्दी वो H+ देता है उतना ज्यादा उसका एसिडिक कैरेक्टर माना जाता है. तो देखो एल्डिहाइड और ये जो मेरे पास एल्डिहाइड और कीटोन है ना, ये इनका करवाया जाता है एल्डोल कंडेंसेशन. सारे बच्चे समझ लें किस तरीके से करवा रहे हैं तुम्हें, ठीक है. सारे बच्चे समझ लें कि हम किस तरीके से इसको करवाते हैं. तो देखो सबसे पहले मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक इथेनल है, CH3CH2, ठीक है. तो अगर तुम्हारे पास CH3CH2, तो मैंने जैसे पिछली बार भी तुमने 2 मोल लिए थे, तो मान लो इस बार भी तुम्हारे पास क्या है? 2 मोल है. तो या तो तुम इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर इसको सच में 2 बार लिखो. अब देखो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, सारे बच्चे ध्यान से देखना, तो ये मेरे पास का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा. एच 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 ए सी
डबल बॉन्ड हो एच, राइट। सेम स्ट्रक्चर इसका भी ऐसे होगा, एच 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 सी डबल बॉन्ड हो एच, राइट। Yes, guys, okay. अभी दोनों को दोनों मैंने एक साथ लिया, राइट भाई, टेस्ट ट्यूब में लेते तो एक साथ ही होता है। तो देखो होगा क्या इनके अंदर, जब हम दोनों को एक साथ लेते हैं हमें एक क्या डालना पड़ता है, पिछले वाले में हमने क्या डाला, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या डाइल्यूट NaOH, क्या लगता है? कॉन्सेंट्रेटेड। अब इस वाले में हमें क्या करना है, डाइल्यूट NaOH। तो जब मैं उसके अंदर डाइल्यूट NaOH डालता हूँ तो देखो मेरे पास क्या होगा। अच्छा ये जो इस साइड तुम देख रहे हो सी डबल बॉन्ड O, और ये जो तुमने देखा है कि पहले वाले कार्बन पे जो अल्फा हाइड्रोजन है, तो देखो होगा क्या, ये वाली हाइड्रोजन डाइल्यूट NaOH डालने से क्या होगा मेरे पास, ये वाली डाइल्यूट NaOH, ये वाला H और ये वाला O। देखो ये क्या है मेरे पास, एक तरह से ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हमारे पास क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है थोड़ा सा नेगेटिव होता है, और ये वाला कार्बन को हम लेके चलते हैं कि मेरे पास पॉजिटिव है, ये बोलते कि जाना है तो H प्लस होके जाना। तो देखो होगा क्या, ये वाला H प्लस कहाँ पे जाता है, इस O के पास जाता है। तो ये वाला जो क्यों यही, अरे यही तो अल्फा हाइड्रोजन है, यस और नो? देखो ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन को लो और पहले वाले की ऑक्सीजन पर अटैक मरवा दो, तो ये मेरे पास फिर क्या बन जाएगा बताओ? तो ये मेरे पास ये नहीं बन जाएगा इस तरीके से सी एच एच, वो तो पूरा वैसा ही है, बस O की जगह पे क्या लग जाएगा, ओ एच, यस, और ये वाली H को नीचे लिख दो एक सेकेंड, क्योंकि मुझे जोड़ना है ना दोनों को। तो अब ये वाली कार्बन यहाँ पे H और H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम डिटो वैसा का वैसा ही। कैन यू सी दैट, ये वाला जो पोर्शन है ये रहा, और ये वाला जो पोर्शन है ये रहा। कैन यू सी दैट एवरीबॉडी? यस सर। अब इतना जुड़ गया मेरे पास। अच्छा तुमने एक रिएक्शन और सुनी होगी, अभी तो मेरे पास ये क्या बना, ठीक है एक कंपाउंड बन गया, दोनों मिक्स हो गए क्योंकि तुमने दो मोल लिए थे। अब तुमने क्या करवाना है, तुम्हें इसका करवाना है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, हीट कर देंगे तभी तो पानी का लॉस होता है, राइट। अगर तुम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हो तो उसमें से वाटर निकलता है, यस और नो? यस सर। तो देखो ये रहा OH और ये रहा एच, एक इस कंपाउंड का एच, इस कंपाउंड का OH, तो एच और OH मिलकर क्या बन जाएंगे, H2O। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन कर आएगा, सारा स्ट्रक्चर वैसा का वैसा, लेकिन अब यहाँ पे कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, जरा आपको बता सकता है? डबल बॉन्ड। वेरी गुड। तो ये बन जाएगा मेरे पास, इसका मतलब मेरे पास अगर तुम्हें कार्बन को डबल करना हो, और डबल करने के बाद फंक्शनल ग्रुप को क्या, मतलब मेरे पास एल्डिहाइड पहले भी था अब भी है, और तुम्हें उसको एल्कील बनाना हो भी डबल कार्बन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें अगर एल्कीन बनाना है और वो भी डबल कार्बन लेकर आनी है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसका, ये एल्डोल कंडेंसेशन करवा सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। नेक्स्ट अब तुम करके दिखाओगे सर। ये डिहाइड्रेशन में बस वो हीट करना है? यस yes. ठीक है सर। ओनली हीटिंग। हीट का मतलब क्या होता है, माइनस का H2O, राइट? ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हाँ कर रहा हूँ। तुम्हारे पास ये टू मोल्स है, जरा बताओ क्या बनेगा? वंशिका समझ में आया? ये सर आ गया, कर रही हूँ। सर क्या है? हाँ बता दो। तो देखो ये मेरे पास क्या है, CH3, ये CH2, और इसको बनाओ C double bond O H, right? ये two moles लिया है, तो इसको दोबारा लिखो। कुछ तो नहीं पता कि सर आपने दो ही दिया था, लेकिन उसमें दो चाहिए होते हैं, तो भाई दो आगे दिया था ना, ठीक है श्रेया, am I right? तो ये मेरे पास H H है, तो ये H H लगे हुए, तो देखो ये वाला जो O और ये वाला जो H है, अल्फा हाइड्रोजन। अच्छा श्रेया ये वाली अल्फा है, ये वाली अल्फा है, कौन सी वाली अल्फा है? देखो दोनों ही है। अबे दोनों में से कोई भी ले लो, एक ही बात है, ठीक है? हाँ वही तो कह रही हूँ। अच्छा कहाँ बोला तूने भाई? तो इस जब ये इस पे अटैक मारेगी तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये पूरा बना के दिखाना है, ठीक है? देखो अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन जब तुमसे पूछा ही जा रहा है स्पेशली, तब तुम ऐसा नहीं, और इस वाले एच को नीचे लिखना, वरना फिर जोड़ नहीं पाओगे ना,
तो ये वाली कार्बन फिर ये वाली कार्बन और फिर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो गए एच, दिख रहा है सबको? तो अब मैंने क्या बोला, अब मेरे पास यहाँ पे जो एच एच है तो ये वाला क्या होगा, डिहाइड्रेशन कर देंगे वाटर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस वाली कार्बन पे और यहाँ पे आ जाएगा सी एच। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम है, हेक्स थ्री इन थ्री नल। यस, 1 2 3 हेक्स थ्री इन वन अल, राइट? नहीं आया समझ में, हेक्स थ्री इन वन अल, अल का मतलब क्या, एल्डिहाइड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये एल्डोल कंडेंसेशन तो करवा लेते हैं लोग। अब जो सबसे तगड़ा वाला है उसका नाम है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अभी मुझे एक बात बताओ, ये मैंने जो लिया था ये सेम मॉलिक्यूल के लिए है या डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए? सेम के लिए। प्यारे प्यारे बच्चों, सेम के लिए नहीं, सेम के लिए। अब मेरे पास क्या है, मान लो अब है मेरे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल। अगर तो डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, सब समझ रहा हूँ बेटा मैं, बदतमीज। यस, मेरे पास क्या है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, राइट? तो मान लो तुम्हारे पास एक है इथेनल। सर वीडियो को ऑफ कर दिया आपने क्या? वीडियो को ऑफ कर दी मैंने, वीडियो कर रखी है, सॉरी सॉरी। तो मेरे पास सी एच थ्री सी एच है और एक मेरे पास है इथेनल, एक मान लो एक मेरे पास है प्रोपेनल, ठीक है? तो प्रोपेनल के लिए क्या करेंगे, सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू, राइट? अब बताओ ये दो मॉलिक्यूल है, एक मेरे पास इथेनल एक मेरे पास प्रोपेनल, तो ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट 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 है। तो अगर डिफरेंट के लिए अगर तुमने मान लो इसके अंदर क्या डाल दिया, NaOH कर दिया और तुम इसे हीट करोगे, NaOH और हीट का मतलब यही होता है कि तुम एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे हो। तो देखो अब मेरे पास कितने प्रोडक्ट बनेंगे पता है, अब मेरे पास सर डाइल्यूट डालेंगे या कंसंट्रेटेड? डाइल्यूट 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 NaOH। कंसंट्रेटेड किसमें डाला था, कैनिजेरो, ठीक है? कुछ लोग कैनिजेरो को बोलते हैं कंजरो, कंजरो वंजरो कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है? ऐसे बदतमीजी नहीं करनी, कैनिजेरो बोलते हैं। चुप हो जाओ, तो ये होता है मेरे पास हीट करना, ठीक है? तो देखो मेरे पास ये दो डिफरेंट कंपाउंड है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, चार कैसे बनेंगे, सारे ध्यान से सुनेंगे। इस पहले वाले कंपाउंड को तुम वही समझ के चलो जो तुमने अभी पहले करवाई है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है? तो दो, तो इसका अगर तुम करवाओगे तो एक कंपाउंड तो इसका आएगा दो लेके, एक कंपाउंड इसका आएगा दो लेके, ठीक है? तो एक के ऊपर तो इसको रखो और फिर एक को इसके ऊपर रखो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो चार कंपाउंड आने हैं मेरे पास, चार प्रोडक्ट आने हैं जब भी तुम क्रॉस एल्डोल करोगे। तो एक तो एल्डोल कंडेंसेशन करवाओ सिर्फ इस अकेले का, ठीक है, दो मॉलिक्यूल लेके। फिर एक एल्डोल कंडेंसेशन करवाओ तुम इसका, ठीक है, दूसरे वाले कंपाउंड का। फिर एक करवाओ ये सी एस थ्री सी एच ओ के ऊपर ये वाला रखो, फिर इस वाले के ऊपर ये सी एस थ्री सी एच ओ रखो। तो बताओ टोटल चार आ जाएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आया समझ, नहीं आया, वेरी गुड सरप्राइज। तो मैं क्या कर लिया, किसको समझ नहीं आया चौथा वाला कंपाउंड कैसे बना ये? हाँ वो तो समझ जाऊंगा मैं, चिंता मत करो भाई। मैंने क्या बोला, देखो जैसे कि मेरे को बात बताओ मान लो कृति और श्रेया है, ठीक है? तो जब कुछ काम ना करे तब काम करते हैं कृति और श्रेया। तो देखो एक मेरे पास है कृति, चुप हो जाओ, क्या नाम है, आरंभ करा मेरा एग्जाम्पल लो। एक कृति है, एक मेरे पास श्रेया है, ठीक है? तो अब मान लो कृति और श्रेया का हमें क्या करवाना है, क्रॉस एल्डोल करवाना है। क्या क्रॉस एल्डोल? क्रॉस, ये देखो ये बायोलॉजी पे चले गए, क्रॉस नहीं बोल रहा, क्रॉस एल्डोल बोल रहा, कंडेंसेशन नहीं बोल रहा, ठीक है? तो एक बार तो सिर्फ कृति कृति को लेके करवाना है, ठीक है? तो कृति कृति से एक प्रोडक्ट आएगा, एक बार श्रेया श्रेया से प्रोडक्ट आएगा, राइट? फिर एक बार क्या करना है, कृति के बाद श्रेया लेना है, ठीक है? कृति के ऊपर तीसरे वाले में क्या करना है, अब श्रेया चुप रहे, क्या बोल रही है, श्रेया के ऊपर है, समझ में आया? दीक्षा सर ये बहुत गलत एग्जांपल है। हाँ सर प्लीज चेंज द एग्जांपल। जनरल मतलब श्रेया कह रही है वो, थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग दिस। अरे श्रेया कह रही है मेरे मुंह में लड्डू फूट गए सर, इतना मजा आ रहा है, फूट रही है यार। ये सर बता भी दिया आपने, पहले पहले खुशी दे दो और फिर ऐसा गम, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, चलो अब लेते हैं आर्यन और इसका, अरे यार ठीक है, आदित्य।
नहीं इसका तो नाम ही सेम है, तिजल ले लेते हैं, तिजल बहुत दिनों से आया नहीं ना, चलो आदित्य और तिजल ठीक है। हाँ फिर सही। और ये के साथ तो टी जुड़ता भी पता होगा, डीएनए के अंदर जो होता है एडिनिन के साथ क्या जुड़ता है, थायमिन, याद है किसी को, एडिनिन ऑलवेज कनेक्ट विद द थायमिन, ये सच में रूल है। तो आरएन और टीजल है हमारे पास, अभी आदित्य था सर, आदित्य आरएन नहीं है, आरएन की बात चल रही थी। तो देखो चलो तो चलो आदित्य ही मान लेते हैं खुश। तो सर तो अगर तुम्हें इसका क्रॉस देखो ये सेम है या डिफरेंट है, मान लो ये टीजल है और ये आदित्य है ठीक है, ये क्या हो गया? अरे वो तो उल्टा था ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सर उल्टा बना दिया। क्या तुम लोग क्या कह रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ और समझा रहा हूँ, तुम कुछ अलग ही सोच रहे हो। तो मान लो मेरे पास एक आदित्य है ठीक है, और एक मेरे पास क्या है तितल, सर फूल लग रहा है। तो एक मेरे पास तितल और मेरे पास आदित्य, अब तुम्हें इसका क्या करवाना है, क्रॉस एंड डॉल करवाना है। एक बार क्या करवाओगे, चुप हो जाओ, तो एक बार करवाओगे आदित्य आदित्य का, तो आदित्य आदित्य का क्या लेना पड़ेगा, फिर बहुत सारा लेना पड़ेगा। और ये क्या हो गया, तो ये प्रोडक्ट है आदित्य आदित्य का, फिर लोगे तीजल तीजल का ठीक है, तीजल तीजल, फिर क्या लेना है, फिर आदित्य पहले लो तीजल बाद में, और तीजल बाद में, मतलब चांद सबको, और फिर तीजल पहले लो, हाँ सबको चांस मिलेगा, चिंता मत। और ये मेरे पास समझ आया, तो कितने प्रोडक्ट बनकर आए मेरे पास, चार। तो ये क्या हुआ, क्रॉस एल्डोल या एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल ठीक है। तो अब देखो, अब बच्चों बताओ, बहुत हो गया मजाक, बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है। तो अब मेरे पास ये दो प्रोडक्ट है ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ये दो प्रोडक्ट जो है हमारे पास डाइल्यूट एंड एच लेना है। तो देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, तो सबसे पहले हमें किसका लेना पड़ेगा, सी एस थ्री सी एच ओ का करना पड़ेगा राइट, और सी एस सी एच ओ को क्या हम कर नहीं चुके थोड़ी देर पहले, मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने सी एस सी एच ओ का भी करा और सी एस सी एच ओ एच का भी करा राइट, उसके मैंने ये दिया था क्यों, क्योंकि देखो ये तो करना ही पड़ेगा इसका यूज, तो दो प्रोडक्ट तो यही आ गए जो हमने बनाए, एम आई राइट, एक गाँव के बच्चों कुछ बोलो, तो एक बोल तो रहे हैं, अच्छा ठीक है गुस्सा मत कर, तो एक हमारे पास क्या इस तरीके से आ गया राइट, पहला प्रोडक्ट ये किससे आया मेरे पास, इस इथेनॉल से, दूसरा है मेरे पास प्रोपेनॉल से राइट, तो ये किस तरीके से, ये मेरे पास डबल बॉन्ड, इस तरीके से मेरे पास सी एच, तो ये किससे बनकर आया मेरे पास, ये एल्डोल क्या है मैंने इस इथेनॉल का, ये वाला एल्डोल क्या है मैंने प्रोपेनॉल का। अब जो हम करने वाले हैं प्यारे प्यारे बच्चों, अब जो हम करने वाले हैं वो आसान नहीं है, तो वो कैसे करेंगे प्यारे प्यारे बच्चों बताओ, वो कैसे करना चाहिए हमें। अच्छा यार एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, एक बात बताओ, एक ना छोटी सी ना मिस्टेक हुई है हमसे, क्या मिस्टेक हुई है कोई बता सकता है, इसके अंदर हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, बताओ क्या मिस्टेक करी होगी, कोई बता सकता है, इसमें हमने एक छोटी सी मिस्टेक करी है। एक सेकेंड, देखो मैंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और लेकिन मैंने यहाँ पे कौन सी हाइड्रोजन जुड़वा दी, बीटा हाइड्रोजन भाई, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप के बाद पहली कार्बन को बोलते हैं अल्फा, दूसरी वाली को बोलते हैं बीटा राइट, तो बीटा हाइड्रोजन क्यों जुड़वाई, मैंने तो बात करी थी ना हमेशा अल्फा का हाइड्रोजन जुड़नी चाहिए, यस और नो, तो इसका मतलब ये तो गड़बड़ हुई है भाई हमारे साथ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अब अगर उसको इस वाली कार्बन को जोड़ना है ना हमें, तो देखो इस वाली कार्बन को जोड़ना है तो फिर तो हमें इस वाली कार्बन को ब्रांच में लेना पड़ेगा, कैसे, सारे बच्चे ध्यान से सुने, हमेशा अल्फा कार्बोहाइड्रोजन जुड़ती है बीटा नहीं, तो देखो बाकी स्ट्रक्चर तो पूरा का पूरा सेम रहेगा। अब ये वो है जिसपे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है राइट, तो डबल बॉन्ड ओ की जगह पे क्या आ जाएगा, ओ एच, आर यू गेटिंग गाइस, तो यहाँ पे आ जाएगा ओ एच, ये एच चले जाएगा नीचे। अब मुझे एक बात बताओ, जुड़ना तो इस वाली कार्बन को है ना इससे, तो फिर ये वाली कार्बन को जब तुम जोड़ोगे तो ये वाली कार्बन कहाँ आ जाएगी, ब्रांच में, ये वाली, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ नीचे की साइड, यस, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या, डबल बॉन्ड ओ एच, आर यू गेटिंग गाइस, तो यहाँ ये वाली जो हाइड्रोजन थी, अच्छा तो एक दो तीन, एक सेकंड, एक दो तीन, और ये इस तरीके से हाइड्रोजन वहां चले जाएगा, क्या कह रहे हो, तो एक एच जो थी मेरे पास वो इसके बाद चली गई, बाकी सब पूरा का पूरा देखो स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है,
किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट है? यस सर। भाई मैं बस ये कह रहा हूं, हमें हमेशा अल्फा कार्बन को जोड़ना है, ठीक है? तो अल्फा कार्बन के साथ लेके चलना है। तो देखो अब मेरे पास क्या होगा, अब हमें क्या करना पड़ता है, H2O को निकालना होता है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, तो OH यहाँ से निकल जाएगा, तो डबल बॉन्ड ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे एक कार्बन जुड़ी हुई है, राइट? तो इसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कोई बता सकता है इसका नाम, क्या नाम होगा इसका? देखो 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये अब तो लॉन्गेस्ट चेन लेंगे तो पेंट हो गया, और 2 पे क्या मिथाइल, ठीक है, और इन भी लगा हुआ है 2 पे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 मिथाइल पेंट 2 इन 1, ऑल राइट? यस सर। अरे भाई समझ नहीं आया, 2 मिथाइल पेंट है ये पूरा का पूरा और 2 इन 1 अल। कोई डाउट है इसके अंदर कृति? नो सर। तो 2 मिथाइल, अच्छा एक सेकेंड श्रेया। सर मैं नहीं बता सकती, मेरा भी वाईफाई बंद हो गया था, लाइट गई थी। अच्छा ठीक है दीक्षा। यस सर। हाँ जो हमने पहले किया था वो गलत क्यों था और ये वाला जो किया है वो सही क्यों है? सर उसमें हमने पहले वाले में ब्यूटा हाइड्रोजन को कनेक्ट कर दिया था। हाँ, और हमें कनेक्ट किसको करना होता है एक्चुअली में? अल्फा हाइड्रोजन। यस वेरी गुड, इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। अच्छा अभी क्या क्रॉस एंडोन कंडेंसेशन कंप्लीट हो गया मेरे पास? नहीं ये नहीं, अभी देखो हमने सेल्फ करवाया था तो एक तो मेरे पास इथेनॉल से बन गया और उससे मेरे पास क्या बना था देखा तुम लोगों ने, इस साइड है मेरे पास राइट, ये बना था मेरे पास CHO, एम आई राइट? इथेनॉल से ये बना और प्रोपेनॉल से ये बना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इथेनॉल और प्रोपेनॉल को अटैच करवाना पड़ेगा, यस और नो? अरे गाइस कुछ बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अब सारे बच्चे ध्यान से नोटिस करेंगे कैसे, तो पहले हमें किसको लेना चाहिए, इथेनॉल को या प्रोपेनॉल को? अब जो मैंने सबसे पहले अब क्या लूं मैं, इथेनॉल या प्रोपेनॉल? इथेनॉल। यस पहले इथेनॉल लेना है ना, तो पहले जब मैं इथेनॉल लूंगा तो इथेनॉल मेरे पास ये है CHO, ये CHO ऐसे बनना तो दोनों ही है ना सर? भाई करने दोनों है लेकिन भाई इथेनॉल और प्रोपेनॉल का तो करवा चुका हूँ, टीजल टीजल का करवा चुका हूँ और आरएन आरएन का करवा चुका हूँ, आदित्य आदित्य का। अब मैं क्या करवा रहा हूँ, आदित्य और टीजल करवा रहा हूँ, तो वाली बात है ठीक है। तो CH3CHO और अब मेरे पास इधर क्या था, CH3, इधर क्या है मेरे पास CH2 और इधर मेरे पास है सी डबल बॉन्ड OH। मैंने क्या बोला है, हमेशा क्या चीज जुड़ती है प्यारे प्यारे बच्चों, अल्फा या बीटा हाइड्रोजन? अल्फा जुड़ती है राइट, तो इसका मतलब ये वाली कार्बन ही तो जुड़ेगी इसके साथ, तो ये वाली कार्बन को क्या आना पड़ेगा, ब्रांच के अंदर राइट। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मेरे पास सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे आएगी कार्बन और ये वाली कार्बन ब्रांच में आ जाएगी नीचे राइट, क्योंकि ये थोड़ी जुड़ेगी तो बीटा वाली है, और ये हो जाएगा मेरे पास सी डबल बॉन्ड OH, एम आई राइट? फिर ये वाला H और ये वाला H मिलकर क्या बन जाएंगे, H2O। तो फिर मेरे पास कंपाउंड क्या आएगा, ऑफ कोर्स देखो यही तो कंपाउंड आएगा, यस और नो पीपल? यस सर। तो इसका नाम क्या होगा, इसको CHO भी ले सकते हो डायरेक्टली, इसका नाम क्या होगा, कैन आई से 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल? यस 1 अल। यस 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। यस एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? Yes, अब हमें क्या करना है, देखो पहले हमने क्या लिया, इथेनॉल पहले लिया, प्रोपेनॉल बाद में लिया, अब हमें क्या लेना पड़ेगा बताओ, प्रोपेनॉल पहले। यस अब प्रोपेनॉल पहले लो और इथेनॉल को बाद में लाओ, तो क्या बन जाएगा करके दिखाओ, बताओ क्या कंपाउंड बनेगा, नाम बताओ उस कंपाउंड का। रितेश बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हो बेटा, क्रॉस एल्डोल और एल्डोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझो जेई मेन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई और नीट का कंपाउंड पूछते हैं कि मतलब कौन सा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है तो परिवर्तन में बना के देखना पड़ता है कौन सा वाला नहीं होगा, बना के देखो 3 बन रहे होंगे और 1 नहीं बनेगा तो वही आंसर होता है उसका।
देख लो एक बार चेक कर लो फिर भी कंफ्यूज लग रहे हो नहीं सर पेन टू इनल पेन टू इनल है इस पे डबल बॉन्ड है यहाँ पे एच है तो पहले प्रॉप लेना है उसके बाद क्या लेना है इथ लेना है तो होगा क्या मेरे पास मैंने पहले बताया ये क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है बिल्कुल है तो ये तो डायरेक्टली अटैच हो जाएगी ये तो सबसे ईजी है भाई इसके पास तो वही नहीं ना ब्रांच ही नहीं है तो डायरेक्ट आएगा इसके ऊपर तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा देखो ये बन जाएगा मेरे पास बॉन्ड जुड़ जाएगा फिर यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड राइट एक ही स्टेप में कर दूं क्या यस सर भाई हाइड्रोजन हटाओ क्यों वो एक ही स्टेप में कर दे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और ये हो जाएगा मेरे पास सी एच ओ यस और नो तो ये क्या है मेरे पास तो ये जो मेरे पास कंपाउंड एक दो दो पे क्या है इन और ये अपने आप में क्या है पेंट और वन पे क्या है तो पेंट टू इन वन ऑल वन अल यस और नो पेंट टू इन तो ये मेरे पास आ गया फोर्थ कंपाउंड ये वाला रितेश श्रेया आर्यन ईशिका अभिषेक मंदाल प्रियांशु कोई डाउट है इसके अंदर अक्षत यस इज देयर एनी डाउट इन द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड एल्डोल कंडेंसेशन नो सर कुछ सर हाँ सर ये बोल रहे थे कि पहले पहले ये आदित्य तेजल क्यों किया क्या क्या मतलब सर मतलब आदित्य हाँ तेजल आदित्य का ये कर सकते थे पहले क्या बोल रहे सर मतलब प्रोपेनॉल और इथेनॉल पहले कर सकते थे हमने पहले इथेनॉल और प्रोपेनॉल ही क्यों करा ये पूछ रहे हैं तो भाई रख लो भाई वो भी रख लो बनने तो चार बन रही है ना हाँ तो वही तो बोल रहा था सर उस समय आपने बोला कि नहीं यही करता पहले बताने का तरीका गलत है रितेश अरे अरे मेरे को एक बात एक ए है और एक बी है ठीक है तो पहले हम जब भी कुछ तो ये दोनों अलग अलग है तो पहले बनेगा ए ए के साथ फिर बनेगा बी बी के साथ फिर बनेगा ए बी के साथ और फिर बनेगा बी ए के साथ कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर गाँव के बच्चों का बिल्कुल ही समझ आ गया एलकेजी का बच्चा यूकेजी वाले बच्चों का हंसता है जब ये नहीं कर पाता तो और तुम 12 सर आ गया आ गया हम गवाह हैं एवरीबॉडी अच्छा कुछ कुछ सर ये क्रॉस एल्डोल एल्डोल में क्या मेन डिफरेंस है तुम बता सकते हो सर वेरी गुड शाबाश सर सब सुनता हूं सर लेकिन ये समझ कुछ नहीं आता है यस सर वेरी गुड एक बार जोरदार तालियां बजाएं इसके लिए भी अलग टाइप की मोटिवेशन चाहिए बेइज्जती मत मारो सर ऐसे अरे तारीफ कर रहे हैं तुम्हारी यार अनयूज माइंड है ना बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा प्राइस है इसका एक्चुअली में और हमें इसकी डिमांड है यस देखो हंस कौन रहा है हां जी प्रधानमंत्री भावी प्रधानमंत्री हैं आप ही बताना जरा क्या डिफरेंस है किसमें देखो कंडेंसेशन एल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस है सर क्रॉस एल्डोल में अलग अलग होता है और एल्डोल में सेम होते हैं क्या बोला आपने सर सर मैं बता रहा हूँ एक सेकंड को देखो क्रॉस एल्डोल में दो अलग एल्डिहाइड होते हैं एल्डिहाइड कीटोन और एल्डोल में सेम होते हैं अच्छा और क्रॉस में कितने प्रोडक्ट बनते हैं और एल्डोल में कितने बनते हैं सोचना पड़ रहा है क्या बात है क्योंकि बहुत टफ है ना एक्चुअली कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है सिग्मा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा प्लस अल्फा थीटा कॉस थीटा यस राइट तभी तो दिक्कत आ रही है सर अब जरा ब्लॉक करो इसे किसके लिए नेता प्रस्ताव पास करो इसे बाहर निकालो इसे पार्लियामेंट से ये प्रधानमंत्री हमारे यस दीक्षा दो दो ही तो बनते हैं यस भाई एल्डोल में दो बनते हैं क्रॉस एल्डोल में चार बनते हैं बात खत्म हां वही दो दो चार ही तो होते हैं अब देखो एक एक मेरे पास रिएक्शन है अब ये खत्म हो चुका है क्रॉस एल्डोल कैनिजरो ठीक है अब मुझे अच्छा कृति 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 यस सर हाँ कृति मुझे एक बात बताओ ये कैनिजरो और एल्डोल कंडेंसेशन क्या फर्क है इन दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस बताओ मेन डिफरेंस क्या डिफरेंस होगा वो अल्फा और बीटा कार्बन का अल्फा में एक में अल्फा
नहीं होना चाहिए और एक में होना चाहिए। अल्फा होना चाहिए, कैनी जेरो में अल्फा नहीं होना चाहिए और एल्डोल में अल्फा होना चाहिए। ये तो दीक्षा बता रही है शायद। और क्या सर, वही बता रही है मेरी। अच्छा मैं मैंने कृति पूछा था बल्कि। चलो कोई बात नहीं, उसको अच्छा लगता है। मैं एक और बताऊं? अच्छा अच्छा देख लो श्रेया बेटा, श्रेया सबसे बड़ी दुश्मन है तुम्हारे पास। दीक्षा दीक्षा तुमसे बहुत कुछ छीन सकती है, तो चांस है। ऑनलाइन क्लास है बेशक, लेकिन ये देखो बड़ा बड़ा फायदा उठा रही है श्रेया। श्रेया तो फ्रस्ट्रेशन दीक्षा पे निकाल ना, मेरे पे निकाल लियो। मैं तो बस एक चरिया हूं, तो मैं सच्चाई से अपडेट करवा रहा हूं बस। फिर आग में भी घी आप ही डालते हो। अच्छा एक बात बताओ, ये सीएचओ जो है मंचिका, तुम बताओ। यस, तो ये सीएचओ जो है ये विथड्रॉइंग ग्रुप है या ड्रिंकिंग ग्रुप है मंचिका? क्या ये सीएचओ जो है जो एल्डिहाइड है, विथड्रॉइंग ग्रुप होता है या रिलीजिंग ग्रुप होता है? रिलीजिंग ग्रुप होता है। दीक्षा क्या लगता है सी एच ओ मेरे पास क्या होता है, ये डोनेटिंग ग्रुप होता है या ये विथड्रॉइंग ग्रुप होता है? काइंड ऑफ विथड्रॉइंग होता है ना। क्या विथड्रॉइंग होता है ना। वेरी गुड भाई, ओ नहीं है ना, ओ एच नहीं है, सी एच ओ है, तो ओ डोनेट होता लोन पे, लेकिन वो सी एच ओ है तो इतना थोड़ी डोनेट करेगा। सी एच ओ पूरा ग्रुप क्या होता है, विड्रॉ करता है। तो मुझे कहते हैं अच्छा अगर ओ एच देता है तो सी एच ओ तो और देगा, क्या मजाक चल रहा है ये कि ओ एच देता है तो सी एच ओ भी देगा। सी एच ओ विड्रॉ करता है, सी एच ओ इज अ विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर ये सी एच ओ जो है अगर पेंटीन से सी एच ओ इलेक्ट्रॉन को छीनता है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे ठीक है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये इस तरीके से एच है, तो ये ओ क्या कर रहा है, ओ तो इलेक्ट्रॉन को छीनेगा। अगर ये ओ इलेक्ट्रॉन को छीनेगा तो फिर कार्बन यहां से छीनेगा डबल बॉन्ड को, राइट। तो ये जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन तो देखो एक पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आता है, यहाँ पर प्लस, एक पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पर और एक पॉजिटिव चार्ज आता है यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन क्या होता है नेगेटिव, तो ये माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है, ये प्लस आर, प्लस आर, सोच लो सारे बच्चे क्या माइनस आर। यस, जो चार्ज ऊपर होता है उससे पता चलता है, जो बेंजीन पे होता है उससे नहीं। तो इसने खींच के रख लिया तो ये कौन सा आ रहा है, किसने स्टार्ट किया, इस ओन है ना, तो ये क्या है मेरे पास माइनस आर, तो माइनस आर है तो इन सब पे कौन कौन सा चार्ज आया, प्लस प्लस, राइट। अरे नहीं समझ आया। अच्छा अब अगर तुम कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, जैसे NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप क्या होता है विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, राइट। तो विथड्रॉइंग वाले को क्या पसंद है, अमीर लोग पसंद है या गरीब लोग पसंद है विथड्रॉइंग वाले को? गरीब लोग। विथड्रॉइंग वाले को गरीब पसंद है? अमीर। अमीर लोग। अमीर विड्रॉइंग खुद गरीब है भाई, विड्रॉइंग जो पैसा लूटते हैं, चोर ड्रॉ मतलब लेना, क्या बोल रहे हैं, जो विड्रॉइंग होता है क्या हो गया, तुम चुप हो जाओ प्रधानमंत्री जी, हम निकाल देंगे तुम्हें विधानसभा से। यस, तो ये हमारे पास क्या है विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है, चोर डकैत, ठीक है, विड्रॉ करते हैं ना पैसे को, छीन लेते हैं, और अमीरों का मतलब क्या है, जो डोनेट करते हैं पैसे बांटो, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो अब मेरे पास अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करना चाहूँ तो देखो मेरे पास क्या है, तो अगर तुम मानो तो विड्रॉइंग ग्रुप तुमने क्या देखा, ये बेंजीन पे तीन जगह पे क्या है प्लस चार्ज है, तो ये अमीर है या गरीब है, एक बात बताओ, ये तीन पोजीशन पे गरीब। तो क्या कभी देखा है कि गरीब के ऊपर चोट कहते हैं डाका मारा? हाँ जनरल कभी भी झोपड़ी में पैसे चोरी नहीं करते, अमीरों के घर में चोरी करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इस बेंजीन चुप रहो यार, मिनट, क्या इस बेंजीन पे किसी को कोई अमीर ग्रुप दिख रहा है, क्या कहीं पे नेगेटिव चार्ज है, क्या इस बेंजीन पे कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज दिख रहा है?